नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव और ये विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे में भी सीएम कुर्सी को लेकर यहां खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर लगातार सीएम कुर्सी को लेकर दावे पेश किए जा रहे हैं। पूर्व में यहां पर जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अपना दावा ठोका, तो उसी आधार पर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को अगली बार यहां जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पद के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, यह वाकई में महायुति गठबंधन में दरार डाल सकता है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जिस वक्त बगावत करके गए थे, उस दौरान से लगातार वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अजीत पवार के इस दावे के बाद क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, ये बड़ा सबब बन गया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार लगातार शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से लेकर कम में मानने को अजीत पवार यहां पर तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में भी अब यहां सीएम कुर्सी को लेकर जंग छिड़ती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा यहां पर सरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सहयोगी महायुति गठबंधन के घटक दलों को साथ लेकर ही सरकार बनाई जाए, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार ने अपनी इच्छा जाहिर की है, वो वाकई सरदर्द का कारण बन गई है। आपको बता दें कि 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां इंडिया अलायंस का बेहतर प्रदर्शन रहा था और उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लीड करते हुए नजर आ रही है। देखना ये होगा कि राजनीतिक समीकरण किस तरीके से उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग भी लगातार एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द का कारण बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।